हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंपिंग जून बुटीक। लेटेस्ट फैशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जंपिंग जून बुटीक। आज मैं आपको बेबी फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। बॉल गाउन टाइप की है ये, देखिए। इसके लिए मैंने मटेरियल लिया हुआ है, ये नेट मैंने लिया हुआ है 6 मीटर, और इस तरह से ऊपर की बॉडी के लिए 1 मीटर लिया हुआ है नेट, और इस तरह से ये वाला कॉटन का मटेरियल मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है, और ये साटन का मटेरियल है ये मैंने 2 मीटर लिया है। तो अब हम अपर बॉडी की कटिंग देखते हैं। देखिए, अपर बॉडी का मैंने ये देखिए नेट को अच्छे से बिछा लिया है, और यहाँ से नीचे वाले बैक पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, ये देखिए कपड़ा, क्योंकि इसमें जिप लगेगी, और ऊपर वाले जो आगे वाला पार्ट है उसको ऐसे रख लिया फोल्ड करके। और यहाँ से हम लोग सबसे पहले ऊपर लेंगे, शोल्डर के लिए लेंगे 5 इंच शोल्डर के लिए लेंगे, और आर्म होल के लिए भी 5 इंच लेंगे, और इस तरह से लाइन लगा लेंगे, और इस तरह से इसके शोल्डर की गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए शोल्डर से, ये देखिए। और जो इसकी चौड़ाई है कपड़े की, वो अपने हिसाब से आपके जितना भी साइज़ होगा उस हिसाब से रखेंगे। मेरे को इसका 7 रखना था, तो ये देखिए मैंने 7 रखा है, और यहाँ पर 1.5 या 2 इंच जितना मार्जिन रखना चाहते हैं उतना मार्जिन रख सकते हैं। 2 इंच मार्जिन रखा है मैंने, और कमर साइज़ ये 6 इंच रखना है और 2 इंच मार्जिन रखना है। तो ये इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए, ये हमारा मार्किंग पॉइंट है, और ये हम लोग की कटिंग पॉइंट है। यहाँ ये वाले पॉइंट से हम लोग को मार्क करना है, और यहाँ से हमको कटिंग करनी है, इसमें कटिंग नहीं करेंगे, और इसी के हिसाब से हम इसमें अस्तर में भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस पर हमने 1 इंच जो छोड़ा हुआ था, उसके बाद हम लोग 2.5 इंच लेंगे गले के लिए, और ये 2.5 इंच लेने के बाद हमको इसमें वी लेना है। तो मेरे को इसमें वी डीप देना है, क्योंकि बो लगाना है यहाँ पर हमने, तो इसमें 8 इंच पीछे मैं बो के लिए दे रही हूँ, इसलिए ये यहाँ से इस तरह से ये 1 इंच छोड़ते हुए अपन को इस तरह से वी की कटिंग कर देनी है। और ये वाला हम लोग की जिप के लिए है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट कटिंग करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी फ्रंट वाले में भी 2.5 इंच गले की गोलाई के लिए 2.5 इंच देंगे, और आगे हम लोग 3 इंच गले की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। हमारी अपर बॉडी की कटिंग हो चुकी है, अब हम नेट से नीचे घेर की कटिंग करते हैं। 1 मीटर नेट ली थी मैंने, और इसकी हम 13-13 इंच की फ्लेयर्स ले लेंगे। देखो, 13 इंच में ऐसे मार्क करके, और 6 मीटर तक इसकी लंबाई पूरी ले लेंगे। तो देखिए, 13-13 इंच की लेगी, इस साइड भी मेरे को 13 इंच आएगा, इस साइड भी 13 इंच आएगा, उसके ऊपर भी 13 इंच, क्योंकि 13-13 इंच की लेयर है। 60 इंच का पना है इस नेट का, तो इसमें अच्छा घेर आ जाएगा। तो ये 13 इंच पे मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए, 13 इंच पे मैंने कटिंग की हुई है, और ये देखो कितने अच्छे से हमारा 6 मीटर का देखो पूरा घेर बन गया है। अब इसकी हम चूनर डालेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हम लोग अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर में हमें कैसे चाहिए, यहाँ से कमर से 10 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें भी चुनट आएगी, ये हमारी ऐसे ऐसे करके फ्रिल आएगी, और यहाँ से हमको इसकी लंबाई लेनी है 15 इंच, क्योंकि इसके बाद इसमें 13 इंच के लिए जो नेट है वो ऐड हो जाएगी 13 इंच, इसके इसकी लंबाई और पड़ जाएगी। तो इसमें ऐसे करेंगे, और यहाँ से जो इसको हम लोग घेरा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि यहाँ से जो हमारी फ्रिल लगेगी वो भी हमको दिखनी चाहिए इसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से पहले ऊपर से हम लेंगे 15 इंच, तो मार्क कर लेंगे इसका, और यहाँ से ये इस शेप में इस तरह से स्केल की मदद से आप इस तरह से निशान लगा लेंगे, और यहाँ नीचे से 1.5 इंच ऊपर लेंगे, 1.5 इंच ऊपर साइड लेके इस तरह से मार्क करेंगे इसे, और ऊपर से भी यहाँ से ये सेम रहेगा, और जो मिडिल है यहाँ से 1 इंच नीचे करेंगे, ताकि वो शेप में आ जाए, कमर में शेप आ जाए, इस तरह से कमर की बेल्ट में शेप आएगी। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये वाले यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है, और ये देखिए, ये कमर में यहाँ से चूनट लग के इस तरह से होगी, और नीचे एक फ्रिल की लाइन आएगी, इसके ऊपर एक फ्रिल की लाइन आएगी, और एक और ऊपर फ्रिल की लाइन आएगी। ये देखिए, मैंने स्लीव्स इसमें पफ स्लीव्स लगाऊंगी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, तो बच्चों में स्लीवलेस तो पहना के फिर अंदर कुछ पहना नहीं सकते। तो ये देखिए, इसमें
3 लंबाई लेंगे। ये हमने मैंने फोल्ड करके रख लिया हुआ है, ये देखिए 2 नेट है उसको फोल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ से इसकी लंबाई ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे 8 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे जो शोल्ड उसके लिए आर्म होल के लिए 2.5 इंच रहेगा। और ये जो हमने 8 इंच लिया है यहाँ से आप स्लीव्स की लंबाई लेंगे। तो मुझे स्लीव्स की लेंथ चाहिए 12 इंच, तो मैं 12 इंच पे मार्क कर लूँगी, ये देखिए। और यहाँ से हम इसका मार्क करेंगे 3 इंच पे, ये 3 इंच मार्क करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, और इस यहाँ पे भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे, ये देखिए। और इसको सीधा मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से हमको चाहिए 3, यहाँ से हमको चाहिए 3 इंच। तो देखिए 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हल्का सा जैसे हम लोग शेप देते हैं उसमें अपने स्लीव पे, वैसे ही स्लीव्स की शेप देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसकी स्लीव्स की शेप हो जाएगी हमारी। और यहाँ से हम 1 इंच का मार्क करेंगे, 1 इंच 1.5 इंच जितना आपको मार्जिन रखना है उतना, और यहाँ से इसके 4 इंच स्लीव्स का राउंड दे के, और यहाँ से 1.5 इंच मार्क के लिए रख लेंगे मार्जिन के लिए, और यहाँ से इसकी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला है जो ये मार्किंग लाइन है जो हमको फिटिंग के समय काम आएगी, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और इस तरह से इसकी हल्का सा यहाँ से भी हमको गोलाई देना पड़ेगा ऊपर से, इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। यहाँ से ये वाली चीज़ को हम लोग इस तरह से नोक कर लेंगे, और हर यहाँ पर 1.5 इंच के बीच में हमको एक निशान लगा लेंगे जो हमको प्लेट्स के टाइम पे काम आएगा। यहाँ पर हम प्लेट लगेगी, देखो 1.5 इंच पे, हर 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इस पर हमको चुनट लगानी है इस तरह से, ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग रेडी हो चुकी है। और इसमें मैंने अस्तर की भी सेम कटिंग कर ली है। आप इस स्लीव्स के लिए खड़ा कपड़ा लीजिएगा, जैसे ब्रॉकेट होती है, और अच्छा जो उस टाइप का कपड़ा लेंगे ताकि वो मटेरियल खड़ा रहे। और ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग, इस तरह से इसकी कटिंग हो चुकी है पूरी। अब हम स्टिचिंग देखते हैं, ये देखिए इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे इधर से, और इधर से स्टिचिंग लगा लेंगे, और इसको भी सेम इस तरह से, और इस साइड से स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसमें अस्तर अटैच कर लिया है पूरा, और इस तरह से, और मैंने शोल्डर को भी यहाँ सिलाई लगा ली है, शोल्डर को भी हम सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए इस टाइप का मैंने इसमें ये सिल्वर कलर की पट्टी लगाई हुई है, तो सिल्वर है इसमें वर्क इसलिए, तो ये देखो सिल्वर कलर की पट्टी को ये इस तरफ से काट लिया हुआ है, और इसको हमने इस तरह से नेक में और बैक नेक में इस तरह से घुमा देंगे, और इसमें सिलाई साइड में सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से ये वाला जो मटेरियल हम लोग को प्लेट्स वाला था उसमें, तो चाहे आप लोग इधर ऐसे ऐसे टाइप की प्लेट्स भी डाल सकते हैं छोटी छोटी, और अगर नहीं तो हम लोग धागा डाल के उसको खींचते हैं जो इस तरह से, वैसे आप इसकी चुनट तैयार कर लेंगे इस तरह से पूरी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे इसकी चुनट बनाएंगे हम लोग इस तरह से पूरे कपड़े की, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी चुनट रेडी हो चुकी है, कितने अच्छे से फ्रिल पूरी बन जाएगी है, ये देखिए। अब हमको क्या करना है, जो ये ऐसे टाइप का मटेरियल हमने अस्तर के लिए कटिंग की थी ना, उसको बीच से ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से, ये आगे और पीछे का। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसमें एक फ्रिल इस पर लगाएंगे हम लोग सबसे एंड वाले पे, तो हम ये वाले यहाँ से, और हमारी जो ये ऐसी फ्रिल है इस फ्रिल को ऐसे अटैच कर देंगे इस तरह से, ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए एक लेयर हमने नीचे फिट कर दी हुई है। अब इसके मिडिल में ऊपर से देखिए, ये दोनों ऊपर से जो लेयर है इसके मिडिल में एक लेयर लगाएंगे हम, यहाँ से इसको पूरा नापेंगे ये वाला इस तरह से 14 है, तो 7 इंच पे हम एक लेयर लगाएंगे, इधर से इधर मार्क कर लेंगे 7 इंच 7 इंच, और राउंड कर लेंगे इस तरह से 7 इंच का। और जो इस तरह से हमने लेयर बनाई हुई है एक, ये देखिए इसको इसके नाप का कटिंग करके हम इस पर एक लेयर अटैच करेंगे, और एक लेयर हम लोग ऊपर लेयर, हमारी 13-13 इंच की लेयर है ना, तो देखिए एक ऊपर यहाँ इस कमर के हिसाब से एक यहाँ लेयर अटैच करेंगे, और ये नीचे वाला घेर इस साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारी ये चुनट पूरी रेडी हो चुकी है, ये पूरा इसमें, और इसकी कमर के बराबर ये हुक पॉइंट को छोड़ के, और इसके कमर के बराबर जो हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है, ये देखिए इसके बराबर हमारा पूरा चुनट रेडी हो चुका है। देखिए पूरा
कितने अच्छे से चुनट रेडी हो चुकी है हमारी। अब इसको हम यहाँ से पूरा सिलाई लगाते हुए इसको पूरा ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम इसकी पफ स्लीव्स बनाएंगे और पफ स्लीव्स को रेडी करेंगे। देखिए हमारी फ्रॉक कितने अच्छे से रेडी हो चुकी है, हमको सिर्फ स्लीव्स लगानी है। ये बैक साइड मैंने बो भी लगाया हुआ है, बो बनाने का शॉर्ट्स मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और मैंने पफ स्लीव्स के भी लिंक शेयर किया हुआ है। ये देखिए मैंने पफ स्लीव्स बना ली है, इसको हम ज्वाइंट करेंगे स्लीव्स में। ये देखिए इस तरह से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे दोनों स्लीव्स को, और ये हमारी फ्रॉक रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से बन चुकी है हमारी। और देखिए ये फ्रिल कितने अच्छे से बैठ गया है हमारा। देखिए तीन लेयर्स में हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। ये देखिए फ्रंट से इस तरह से, ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।